हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फ्रेंड्स आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्ट अपडेट है, कोविड फंड के लिए कर्मचारियों का 1 से 2 दिन का वेतन काटेगी हिमाचल सरकार। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड में जाएगा, जबकि सभी नियमित व अनुबंध हेल्थ केयर वर्करों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा सभी अनुबंध व नियमित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी 1 दिन का वेतन काटा जा सकता है। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी की ओर से सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त निकायों के आहरण और वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने सभी साधन संपन्न परिवारों से भी फंड में योगदान देने की अपील की है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल प्रदेश गहरी खाई में गिरी कार, पिता और पुत्र समेत 3 की मौत, 1 घायल। तो रेणुका जी संगड़ाह सड़क पर मंगलवार रात करीब 11:30 बजे बरौली गांव के समीप एक कार 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे पिता और पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल एक व्यक्ति का मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। तो SP सिरमौर डॉक्टर KC शर्मा के मुताबिक कार HP 7947 में सवार 4 लोग देर रात दधाऊ से अपने गांव शिवपुर जा रहे थे। कार जैसे ही भोरली से करीब 200 मीटर आगे मोड़ पर पहुंची, चालक के नियंत्रण खोने से कार 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में शिवपुर निवासी सुरजन ठाकुर 48 वर्षीय और उनके बेटे विपिन ठाकुर 22 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, रोहतांग समेत पूरी लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी, अटल टनल से वाहनों की आवाजाही ठप। कुंदला नॉर्थ और साउथ पोर्टल में 300 सेंटीमीटर, केलांग में 10 सेंटीमीटर, दारचा, जिस्पा और गेमूर में 15 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई, जबकि काजा में 8, लोसर में 15 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, भाजपा ने मंडी लोकसभा उपचुनाव का प्रभार मंत्री महेंद्र सिंह को सौंपा। तो भाजपा ने मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी ने जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह को चुनावी प्रभारी बनाया है। वही शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को सह प्रभारी और पार्टी प्रदेश महामंत्री राकेश जम्बाल को संगठन समन्वयक का जिम्मा सौंपा। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना का डर, पंजाब से दूध घी दही की मांग 50% हुई कम। तो हमीरपुर जिले में पंजाब से ही अधिकतर दूध की सप्लाई होती है। पंजाब और दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के डर से लोग इन उत्पादों को खरीदने से परहेज कर रहे हैं। दुकानदार लॉकडाउन के डर से ही अपने पास घी और आइसक्रीम का स्टॉक नहीं रख रहे हैं। वेरका दुग्ध पदार्थ एजेंसी संचालक सुशील कुमार का कहना है कि घी और आइसक्रीम की मांग 50% कम हो गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, NHPC के स्टोरों में दूसरे दिन भी CBI की दबिश। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी NHPC के स्टोरों में CBI टीम ने बुधवार को दूसरे दिन भी दबिश दी। जिन स्टोरों में CBI टीम ने दबिश दी उन्हें मंगलवार को ही सील कर दिया है। बुधवार को भी CBI जांच जारी रही और टीम ने कंपनी के स्टोरों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। बीते मंगलवार को CBI के निशाने पर गड़सा स्थित कंपनी का स्टोर रहा। बुधवार की टीम ने मणिकर और नगवाई में भी दबिश दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। तो नेक्स्ट अपडेट है, निचले हिमाचल में अब तैयार होंगे चंदन के जंगल, मजबूत होंगी आर्थिक स्थिति। तो बेशकीमती चंदन अब निचले हिमाचल के किसानों की आर्थिक मजबूत करेगा। कुछ साल पहले कर्नाटक से लाए चंदन के पौधों पर रिसर्च के साथ औद्योगिक एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के विशेषज्ञों ने उन्नत किस्म के पौधों की नर्सरी तैयार की है। पूजा पाठ के अलावा चंदन का औषधीय प्रयोग भी होता है। प्रति किलो इसकी कीमत हजारों में होती है। तो विशेषज्ञ समय समय पर किसानों को चंदन के पेड़ से होने वाली आय के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। नेरी स्थित राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के समीप खग्गर गांव में चंदन की नर्सरी भी तैयार की गई है। इस नर्सरी में महाविद्यालय ने चंदन के करीब 4,000 पौधे तैयार किए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे पर पलटी हाइड्रा, 20 घंटे लगा रहा जाम। तो भरमौर पठानकोट NH पर बग्गा के पास गिरी मशीनरी को उठाने के लिए पहुंची हाइड्रा मशीन पलट गई, इससे NH पर 20 घंटे तक यातायात ठप रहा। तो नेक्स्ट अपडेट है, मानव भारती विश्वविद्यालय से पात्र डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को मिल सकती है राहत।
तो फर्जी डिग्री के फेर में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय से सही डिग्री करने वाले विद्यार्थियों को जल्द राहत मिल सकती है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिल ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से सचिवालय में मुलाकात कर इस मामले को हल करने के लिए किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। अध्यक्ष ने बताया कि सही तरीके से डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो विद्यार्थियों को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है इसको लेकर कमेटी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी करेंगे रिवीजन। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर 17 मई तक 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद सरकार ने इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन को शुरू करने का फैसला लिया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उप निदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत पत्र जारी किया गया। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए सिलेबस को दोबारा दोहराने को कहा गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, T20 वर्ल्ड कप के लिए 9 स्टेडियमों में हिमाचल का धर्मशाला शामिल। तो इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला ने पहली बाधा पार कर ली है। BCCI ने वर्ल्ड कप के लिए प्रस्तावित 9 स्टेडियम में HPCA स्टेडियम धर्मशाला को भी शामिल किया है। ऐसे में अब धर्मशाला में वर्ल्ड कप के मैच मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। गौर हो कि अमर उजाला ने 6 अप्रैल से को ही खुलासा कर दिया था कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच की मेजबानी कर सकता है। जानकारी के अनुसार BCCI की ओर से प्रस्तावित 9 स्टेडियमों की रिपोर्ट ICC को भेजी जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, शिक्षा निदेशालयों में 22 अप्रैल से 50% स्टाफ ही आएगा। तो हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा प्रारंभिक निदेशालय में गुरुवार से 50% स्टाफ ही आएगा। जिला उप निदेशकों कार्यालयों में भी स्टाफ को रोस्टर के तहत ही बुलाने के आदेश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जो कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से यह कर्मचारी अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। निदेशालय में स्टाफ को 2-2 दिन के लिए बुलाया जाएगा। उधर स्कूलों में भी गैर शिक्षकों को रोस्टर के तहत बुलाया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM के घर ट्रिपल मर्डर, बदमाशों ने किया बेटे बहू और पोती का कत्ल। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्यारेलाल कंवर के परिवार के 3 लोगों को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे बहू और पोती की हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्यारेलाल कंवर के परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्या करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,983 के पार। कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर भी पॉजिटिव। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 80,233 के पार पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 9,983 से अधिक हो गए हैं। अब तक 69,003 से अधिक संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1219 की हो चुकी है मौत। तो हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनका चिकित्सकों की देखरेख में IGMC शिमला में उपचार चल रहा है। विक्रम ठाकुर ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी, कहा कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके बाद कोरोना की जांच करवाई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ दिन भर की मुख्य अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।